अंबेडकर नगर। भारतीय कृषक उत्थान समिति ने किसान दिवस पर अपनी मांगों को निकाली ट्रैक्टर रैली। चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस पर भारतीय कृषक उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जिलाधिकारी को अपने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें डीएपी और यूरिया के दिक्कतों का तुरंत समाधान किया जाए और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धीमी गति से खरीद, अनियमितता और बिचौलियों पर सरकार तत्काल लगाम लगाए। ट्रैक्टरों पर टोल टैक्स न लगाया जाए। ट्रैक्टरों को पहले की तरीके से कृषि वाहन ही रहने दिया जाए। नए नियम रद्द किए जाए, जिससे पूर्व की तरह किसी दिवंगत के अंतिम संस्कार में आसानी रहे, और एमएसपी पर गारंटी दी जाए। रैली नौतरिया से शुरू हुआ और जिला मुख्यालय पर समापन हुआ। रैली में बसकारी, बरियावन, कुर्की, बेवाना, जलालपुर, सुलेमपुर, मोतीगरपुर, पिपरी, बिसुनपुर, पकरी, भोजपुर व पूरे जिले के किसानों ने रैली में प्रमुख रूप से भाग लिया। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार चंद्रभूषण, शिवम पटेल, कमलेश कुमार, अवधेश मौर्य, राजेश चौधरी, रामदीन, मोहम्मद इसरार, आसाराम वर्मा आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अंबेडकर नगर जनपद में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। ये ट्रैक्टर रैली एक जिला स्तरीय ट्रैक्टर रैली थी, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को यह सूचित किया गया कि अंबेडकर नगर जिले में यूरिया और डीएपी की समस्या बहुत विशाल समस्या बनी हुई है, जिसके कारण किसान को अपनी आगत में परेशानी हो रही है। उसको गेहूं में और जो दलहनी फसलें हैं उसमें इस्तेमाल करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। यूरिया खुले बाज़ार में बहुत महंगी बिक रही है, करीब 500 रुपये प्रति 50 किलो बिक रही है, उस जिसके कारण किसान उसको बो नहीं पा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे धान की खरीद बहुत विकट समस्या बनी हुई है। धान की खरीद सुचारू ढंग से नहीं हो रही है, उस तेज़ी से नहीं हो रही है जिस तेज़ी से होनी चाहिए। हम लोगों ने बार बार धरना प्रदर्शन देके और के माध्यम से जिलाधिकारी को ये बताया था कि हमारे यहाँ धान की समस्या और डीएपी की समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर रही है, उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन पता नहीं सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण उसका निस्तारण नहीं हो रहा है, कि जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ किया जा रहा है कि हमारी समस्याओं को अनसुना कर दिया जा रहा है और किसानों की समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जिला प्रशासन को ये आगाह किया जा रहा है कि अगर जिला प्रशासन को जिस तरीके से ज्ञापन दिया गया है, अगर उसने उसका निस्तारण जल्दी नहीं किया तो हम लोग एक बार फिर से धरना देंगे और कलेक्ट्रेट में फिर से ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे, और इस बार और पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखेंगे, जिससे हम किसानों की समस्याओं का समाधान हो और हम लोगों को डीएपी और यूरिया की आपूर्ति बहाल हो, उसके साथ साथ हमारे धान के खरीद में तेजी लाई जाए।